हम बात कर रहे थे कि गेयर्स की बात कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट गेयर आपने वाला मेडिकल किट होती है ठीक yeah. अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आपको अकेले किसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा एक मिशन पे एंड आप कोई भी सिर्फ एक चीज़ कैरी कर सकते हो अपने साथ व्हाट विल यू कैरी मिशन के लिए uh, आप एज uh, इन कुछ एग्जीक्यूट करना, करना है कुछ एग्जीक्यूट करना है मान लो आपको मिलिट्रेन एरिया में जाना है और कुछ भी एग्जीक्यूट करना भी well. अब, अब एक ही चीज़ ला सकते और आप कुछ नहीं ला सकते मल्टी अगर नहीं केस इसमें बहुत सारी यूटिलिटी है तो एटलीस्ट अ नाइफ इज समिंग अगर आपके पास नाइफ है तो आप कुछ भी चीज बना सकते हैं आप वेपन्स बना सकते हैं बना सकते हो या मतलब? yeah. कैसे आप अच्छा नाइफ हो नाइफ वैप, को वेपन चला सकते आप पेड़ काट करके उससे वेपन बना सकते हैं आप आग जला सकते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।, हैं आप को खाना खाना है तो आप नाइफ से आप देर इज अ बो मेथड कि आपको कैसे वो करना है मैंने अभी सर्वाइवल वाले क्लासेस भी लिए हैं काफी सारे तो देर इज अ तरीका क्या? जिसे आप काट करके यू मे के प्लेटफॉर्म एक आपको बो बनाना होता है उसमें छेद करके आपको अलग अलग तरीके चीज़ें उसमें इकट्ठा करके एंड बो आप समझते हैं बो के बीच में एक स्टाफ डाल करके आप उसको फ्रिक्शन से आप आग जला सकते हैं ऑफ कोर्स सेकेंड चीज़ अगर आप बोलें कि और एक चीज़ अगर आप अलाउ करेंगे तो आई वोट प्रिफर लाइटर और फ्लिंट या कुछ जिसे आग क्योंकि आग बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल में जंगल में हर चीज़ के लिए आपको चाहिए होता है बट हाँ अगर एक चीज़ है तो आई वुड से नाइफ क्योंकि आप नाइफ यूज़ करके यू कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दैट आपको रहने के लिए शेल्टर बनाने से लेकर के हर चीज़ के लिए आप नाइफ का इस्तेमाल कर सकते ओके okay. टर्मी कि जब आप मणिपुर में थे तो मणिपुर में तो इतने गहरे जंगल होते हैं तो उधर आग कैसे लगती है और क्योंकि वहाँ पर यूजली बारिश ही होती रहती थी मोस्टली आग कैसे लगती है मतलब मतलब बारिश होती है तो वुड गीला हो जाता होगा उन सब के बीच में गीला वुड जलाना इज़ इट Easy, क्या होता है नहीं हम कुछ नहीं जलाते हम बिल्कुल कुछ नहीं साइलेंट हाँ हाँ कोई आग बिल्कुल नहीं जलाते हैं कोई सिगरेट नहीं पीता है कोई चाय नहीं बनती है जब तक आप मिशन के लिए जा रहे हैं कुछ नहीं क्योंकि आप एक आग का स्मेल दूर से कर सकते हैं hmm. किसी को भी वो स्मेल मिल जाता है उसको पता है कि यहाँ पे ह्यूमन है अब हाँ, अब बातें नहीं करते हैं एवरीथिंग ऑन साइंस दो दो दिन तक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वो आ, हमने मैंने एक मंगोलियन टीम के साथ में जॉइंट ट्रेनिंग किया था काउंटर एसेंसी जंगल वेयर स्कूल में अब उनको मंगोलियन आती थी हमें हिंदी आ, आती थी या तो मुझे इंग्लिश आता था तो उनके ऑफिसर को इंग्लिश आता था तो हम शुरुआत में वो कहते तो पहले तो सबको लगा स्पेशली जो सी आई जी डब्ल्यू के स्टाफ में थे कि ये लोग ट्रेनिंग करेंगे कैसे इनको तो एक दूसरे का समझ में नहीं आता पहला चीज़ हमने क्या किया पहले ही दिन के अंदर हमने फील्ड सिग्नल्स इतने तगड़े बना दिए तो उसके बाद यू विल भी सरप्राइज़ किए पाँच छः दिन का जो ट्रेनिंग हुआ उसके बाद में हम आराम से लोग एक साथ मिल करके जोक मार रहे हैं वो फील्ड सिग्नल्स के साथ में साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज के अंदर सो so, हमारा मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज ऑन साइन लैंग्वेज वी डोंट टॉक एंड इवन इफ यू हैव टू जैसे रात के टाइम पर साइन लैंग्वेज आपके काम नहीं करते हैं आपको बात करना इन विस्पर्स ये जो आपका श्रिलनेस है आवाज का उसको एकदम कम करके तो आप सोचे सेवन एट डेज आप बातें नहीं कर रहे हैं जैसे कैसे करते होकेज इज बिकॉज ये श्रिलनेस जो है एक जंगल के अंदर दिस कैरीज hmm. ये बहुत दूर तक जाता है और uh, खासना या आपकी आवाज़ें बातें इससे आइडेंटिफाई हो जाता है नहीं तो जंगल के अंदर अगर कोई हरकत हुआ है, तो ये तो जंगली, जंगली जानवर भी हो सकता है hmm. बत बातें या आग आ, या मैगी <laughs> या, या चाय बनने की अगर आ, स्मेल आ जाती है तो ह्यूमन इट्स ह्यूमन अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो